ग्रुप के साथ एक इमरजेंसी होगी यहाँ पे, ये नॉर्थ पुल्लू था ना, इस पर रुके थे हम ब्रेकफास्ट के लिए, और एक मेंबर को माउंटेन सिकनेस से थोड़ा ऑक्सीजन कम हो गई। यस, फाइनली अटेम्प्ट खारदुंगला पास। ये खारदुंगला, ये अल्टीमेट, मजा आ गया। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो बताइए कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपना चैनल दिल घुमक्कड़। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा ना सांस जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग में, वीडियोस में आपको दिख भी रहा होगा सांस की, तो बार बार सांस की आवाज़ें आ रही हैं, वॉइस आ रही है, वही वजह से ही है। वैसे ऑल ओके है सब कुछ, पर सांस थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं यहाँ पे, बस यही प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे रुके हुए थे सनी कैनोपी होटल में, अब हम निकले हैं खारदुंगला नुब्रा वैली के लिए, तुरतुक के लिए। हमारा वहाँ पर 3 से 4 दिन का है, एक सामान लिया है जो वहाँ पे ज़रूरत के लिए है, 4 दिन का वो लिया है बस, बाकी सब हमने यहीं छोड़ दिया है। फिर आके यहाँ से ले लेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे सरचू और जिस्पा मनाली के लिए। तो करते हैं आपके सबसे ज़्यादा एडवेंचर, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज़्यादा खूबसूरती वाले एरिया में, बॉर्डर एरिया में। तो निकलते हैं बस, अब यहाँ से रेडी हैं, सारे गियर अप हैं, अब निकलते हैं बस। ले से ही सारे पेट्रोल फिलिंग करा रहे हैं, फुल करा रहे हैं बाइक से अपनी, और कुछ कैंस में एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं। वैसे तो नुब्रा वगैरह मिल जाएगा, और कुछ कैंस में एक्स्ट्रा ले रहे हैं और बाकी सारी बाकी फुल करा रहे हैं बाकी। मेरे लेफ्ट साइड से ले शहर दिखता हुआ और स्नो पिक्स दिखती हुई, अल्टीमेट व्यू देखना, गजब। क्या नज़ारे हैं, ये व्यू देखना, कितना गजब लग रहा है। लग रहा है ना, ब्राउनी माउंटेन, उसके पीछे स्नो पिक्स और नीचे ग्रीन वैली, अल्टीमेट। क्या कॉम्बिनेशन लग रहा है, बिल्कुल गजब। आप सबको इसके बारे में तो मैं बताना भूल ही गया, आप देख रहे होंगे। ये मैंने अपना मन बनाया था कि मैं जब कभी लेह लद्दाख करूँगा, सर्किट करूँगा या लद्दाख जाऊँगा, तभी मैं इसको लगाऊँगा। नहीं तो दिल्ली में मिलते हैं, हर स्टेट में मिलते हैं, लगा सकते थे, लेकिन नहीं, मैंने ये फाइनल किया था कि जब लेह लद्दाख सर्किट करूँगा तभी मैं इसको लगाऊँगा। तो मैं लेह पहुँच के मैंने इसको लगाया है, और अब हमें अपने खारदुंगला वाले रास्ते पर, नुब्रा वाले रास्ते पर, इस ट्रिप का अब तक का सबसे खतरनाक रास्ता, सिंगल रोड है और डबल ट्रैफिक है, और एक तरफ बिल्कुल खाई है, एक तरफ पहाड़ है। अमेजिंग अमेजिंग। ये सामने आपको दिखती हुई स्नो पिक्स, ये यहाँ से स्नो पिक्स दिखती हुई, ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गजब गजब गजब, वाओ, क्या कहूँ इस खूबसूरती को, क्या नाम दूँ। ओए होए भाई, वाह गजब। वो बिल्कुल बेस में नीचे लास्ट में आपको थोड़ा सा गिरी दिख रही, मैं वहां से आया हूँ अपने ऊपर, क्या गजब दिख रहा है यार यहाँ से, अल्टीमेट। ये हमें सेकंड
चेक पोस्ट मिली है साउथ पुल्लू। यहाँ पे अब डॉक्यूमेंट चेक होंगे, एंट्री होगी, फिर आगे निकलेंगे यहाँ से एंट्री करके। यार इस लोकेशन ने ना दिल जीत लिया मेरा, ये इतनी गजब लग रही है, इतनी गजब लग रही है, मतलब क्या बताऊं, मन मोह लिया इसने मेरा, अल्टीमेट। लव यू, लव यू भोलेनाथ, महादेव की कृपा से अभी तक सब कुछ ओके है, आगे भी पूरा विश्वास है ओके रखेंगे बिल्कुल। लो जी क्या गजब लोकेशन है, अल्टीमेट, वाव, पूरा पहाड़ माउंटेन स्नो से ढका हुआ, क्या गजब है यार, अल्टीमेट, अल्टीमेट, यस फाइनली अटेम्प्ट, खारदुंगला पास, ये अमेजिंग, अल्टीमेट, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, माय फर्स्ट अटेम्प्ट खारदुंगला पास, 17,982 फीट, अल्टीमेट, गजब, वाव, ये अल्टीमेट, यस ऑन खारदुंगला, ये अल्टीमेट, मजा आ गया। फाइनली खारदुंगला 17,982 फीट, अल्टीमेट। ये भैया हमें मिले महाराष्ट्र से खारदुंगला टॉप पे, आपका नाम? वसंत कामते। वसंत कामते, आपका नाम? संतोष कुंजीर। संतोष कुंजीर, थैंक यू, थैंक यू, ये मिले हमें कपल खारदुंगला टॉप पे, आपका नाम? अनिला। आप कहाँ से हो आप लोग? गुजरात अहमदाबाद। थैंक यू, सही बार आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, 2019 में भी आए थे और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, पूरा सर्किट है हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू। अब यहाँ से चलते हैं नीचे, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे लगा दिया, आधा घंटा करीब ज़्यादा लगा दिया होगा, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, माउंटेन सिकनेस, चक्कर, उल्टी, सर दर्द, ऐसे यहाँ पे होता रहती हैं चीज़ें, तो उससे बचने के लिए बेस्ट है कि यहाँ पे 15-20 मिनट रुको और आगे निकल जाओ। काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आऊँ इस ट्रिप पे और पूरा सर्किट कर रहा हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है, और जिसने जो भी नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और वीडियोस को जो अच्छी लग रही लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिसने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, कैसे मैंने प्रिपरेशन की, कैसे मैं दिल्ली से उधमपुर आया, फिर उधमपुर से श्रीनगर आया, श्रीनगर से करगिल आया, करगिल से लेह आया, और लेह से फिर अब जा रहे हैं हम नुब्रा, खारदुंगला क्रॉस करते हुए। तो जिसने पिछली वीडियोस ना देखें वो प्लीज़ पिछली वीडियोस जाके देखें और एंजॉय करें मेरी ट्रिप को, और फुल सपोर्ट करें, थैंक यू। अब ये मिल रही है थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, इसमें बड़े ध्यान से चलना होता है, क्योंकि ब्लैक आइस भी होती है और गड्ढे भी होते हैं, और ये छोटी छोटी बजरी पत्थर होते हैं जिस पर फिसलने का डर होता है, मैक्सिमम फिसलने का चांसेस होते हैं, तो बड़े ध्यान से चलें, बड़े सेफली चलें। क्या व्यू है यार,
अल्टीमेट गजब 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 गजब। हम नॉर्थ पुल पहुंच गए हैं सेफली। अब यहाँ शायद एंट्री वगैरह होगी और उसके बाद हम निकलेंगे आगे। हम रुके हैं, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, सियाचिन रेस्टोरेंट नॉर्थ कुल्लू 16050 हाइट पे। और हम यहाँ रुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। ये सभी राइडर्स हैं यहाँ पे। मेरे को बस वाला ढूंढना था दिल दिमाग पर, मेरे को तो दुनिया ढूंढेगी। ये भैया महाराष्ट्र से आए हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? रेड ऑमलेट को भी शक के लिए ऑमलेट का ये अपने हीरो। हेलमेट उतार के दिखाओ, ऐसे नहीं पता लग रहा, ऐसे नहीं पता लगेगा हमारे साथ अंग्रेज भी हैं। अंग्रेज है, बोलो भाई ध्यान से देखिए। बाल बहुत खराब हुए हैं, सॉरी। बनाई थी कारगिल वाली, जेपी दत्ता ने ऑर्डर तो सनी देओल की। ग्रुप के साथ एक इमरजेंसी होगी यहाँ पे। ये नॉर्थ पुल्लू था ना, इस पर रुके थे हम ब्रेकफास्ट के लिए। और एक मेंबर को वॉमिटिंग सिकनेस से थोड़ा ऑक्सीजन कम हो गई, वैसे कंट्रोल में सब ओके है। सांस इसलिए चढ़ रहे, थोड़ा सा इमरजेंसी हो गई थी पर ओके है सब। तुरंत ऑक्सीजन मिल गई, वहीं पे सिलेंडर रखा हुआ था, तुरंत ऑक्सीजन मिल गई और ओके है। बस एक आर्मी कैंप है आगे, वहाँ पे जा रहे हैं एक बार बस जनरल चेकअप के लिए। बाकी ओके है सब, टेंशन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके है। ये खारदुंग विलेज में मनोज सेठ मिले हमें एमपी से, इनको बाइक अच्छी लगी तो फोटोशूट कराना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम बलराज सेठ। बलराज सेठ, आप दोनों? ये मेरा पुत्र है। अरे कराओ। अपनी बाइक का सेटअप इतना प्यारा है कि जहाँ भी रुकते हैं सभी फोटो खिंचाने लगते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेटअप इतना प्यारा है। क्या बेहतरीन लोकेशन है ये, शायद नुब्रा रिवर है। अल्टीमेट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू, गजब मजा ही आ गया देख के। लंच के लिए यहाँ खलसर में रुके थे, नुब्रा एरिया में है खलसर, खारदुंग विलेज से पड़ता है 16 किलोमीटर डाउन में, वहाँ पे लंच किया है। अब निकले हैं आगे वैली के लिए। नुब्रा वैली का भाव भी पहाड़ों की तरफ है, इसका मतलब ये नुब्रा वैली भी पाकिस्तान जा रही है हिंदुस्तान से। Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. कि इन शख्स को ये कहीं भी कुछ भी करने लग जाते हैं। फाउंडेशन क्या कर रहे हो आप? ये घर बना रहे हैं, यहीं रहोगे क्या आप? हाँ ठीक है। दिशकित में जो स्टैचू ऑफ बुद्धा है काफी हाइट पे है और सो ब्यूटीफुल अमेजिंग। आई नो यू टोल्ड योर फ्रेंड यू आर नॉट ओके एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग एंड व्हाई यू नेवर सेड यू फेल्ट दैट वे गेस यू ट्राइंग टू स्टे स्ट्रांग एंड फेक अ स्माइल अंटिल आई लुक अवे बट आई हैव नोन यू टू लॉन्ग इट हर्ट्स टू
चलते हैं आज की अपनी डेस्टिनेशन पर हुंडर। आज का हमारा स्टे हुंडर होगा, बिश्केक वैली को और बुद्धा स्टैचू। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल जगह को कहते हैं बलबीदा। शाम के 7:30 बजे हैं। दिल्ली में, मुंबई, हरियाणा इस तरह के जो शहर हैं उनमें इस टाइम तक बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी रोशनी है। यहाँ पे मॉर्निंग भी बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब ये मान के चलो 5 बजे के आसपास धूप निकल जाती है, और अंधेरा भी अभी कम से कम मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा भी लगेगा अंधेरा होने में। लंबा दिन है यहाँ पे, और लोकेशन एक नंबर मस्त। हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। तो करते हैं आज के ब्लॉग को एंड यहीं पे। सुबह का जो व्यूज़ है, जो यहाँ पे हम रुके हुए थे जहाँ पे, वो आप सबको मैं सुबह दूंगा, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे। और सुबह क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है, इस समय दिखाने का वो दिख भी नहीं पाएगा सही से। टेम्परेचर 0 है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, हुंडर में। और बाकी वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो है यहाँ से, तुरतुक और थांग विलेज जो बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद फिर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, होगा अपना पेंगोंग लेक। तो आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, और मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में। हुंडर टू तुरतुक एंड थांग विलेज एक्सप्लोर करेंगे। नमस्कार। To never give up, to never back down, you get through the storm, even the nights the darkest before the dawn.